बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 11 है और हम 3.3 पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट जो कि ए प्लस एल ए ए ए ए प्लस एल ए ए ए और ए प्लस एल, इसका डिटरमिनेंट है एल स्क्वायर 3a प्लस एल। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे a प्लस एल a a फिर a a प्लस एल a a a और a प्लस एल। अब हमने बताया कि किसी भी डिटरमिनेंट को आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो से कर सकते हैं, थर्ड रो से, अगर तीन रो हैं, तीन कॉलम हैं, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन किए करेंगे और रो वन से पहले ये एंट्री लिखेंगे ए प्लस एल, ये रो छोड़ देते हैं, इसके साथ प्लस आएगा। और प्लस क्यों आएगा मैंने बड़ी डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 9 और 10 में आपको बताया हुआ है। तो ये आपके पास रो छोड़ दें और ये कॉलम, बाकी क्या बच गया आपके पास ए प्लस एल ए ए और ए प्लस एल। फिर आप क्या देखते हैं पहली रो की सेकंड एंट्री, इसके साथ क्या आता है माइनस, ये रो छोड़ दे और ये कॉलम, ए वो एंट्री जिस रो में आए, क्योंकि पहली रो से एक्सपेंड करते हैं। तो जब पहली रो से एक्सपेंड किया जाता है तो फर्स्ट एंट्री लिखते हैं पहली रो की, वो रो छोड़ते हैं, वो कॉलम उसके साथ प्लस, फिर पहली रो की सेकंड एंट्री लिखते हैं उसके साथ माइनस आता है क्योंकि वो फर्स्ट रो में आ रही है और सेकंड कॉलम में, तो वो 1+2+3 ऑड है। तो इधर क्योंकि साथ फॉर्मूले में आता है -1^(1+2, -1^3) जो कि ऑड हो तो माइनस। अब आप डायरेक्ट याद कर लें फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस, सेकंड एंट्री के साथ माइनस, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, बाकी क्या ये देखें ये रो छोड़ी और ये कॉलम, बाकी क्या बच गए ए ए ए और ए प्लस एल। फिर आप क्या लिखेंगे आखिरी एंट्री उसके साथ क्या आएगा प्लस, क्योंकि पहली रो में आ रही है और थर्ड कॉलम 1+3 4 अगर इवन हो तो साथ प्लस, क्योंकि इसको आपने -1^(1+3) और साथ उसका माइनस लिखना होता है। लेकिन आप डायरेक्ट समझ लें कि क्योंकि पूरा टॉपिक मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ाया था कि पहली एंट्री लिखेंगे उसके साथ प्लस, पहली रो की वो रो छोड़ देंगे और वो कॉलम ए, बाकी क्या बच गया ए प्लस एल ए ए और ए प्लस एल उसका डिटरमिनेंट। फिर आप क्या लिखेंगे सेकंड एंट्री उस रो की उसके साथ माइनस, वो रो छोड़ दें वो कॉलम ए ए ए और ए प्लस एल का डिटरमिनेंट। ये देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब आप छोड़ेंगे तो ये ए बचेगा ए ए और ए प्लस एल। फिर फर्स्ट रो की आखिर एंट्री क्या है ए, इसके साथ प्लस आएगा, ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम, बाकी बचेगा आपके पास ए ए प्लस एल ए और ए। ये दोबारा समझ लें अगर पहला स्टेप समझ आ जाए तो आगे सारी सिंप्लीफिकेशन ही है। इसमें याद रखें किसी एक रो से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूंगा तो फर्स्ट रो की पहली एंट्री लिखते हैं, अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो पहली एंट्री के साथ प्लस, दूसरी एंट्री के साथ माइनस, तीसरी एंट्री के साथ प्लस। ये प्लस माइनस क्यों आता है ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में अपने लास्ट लेक्चर्स में आपको बड़ी डिटेल में समझाया था जब हमने माइनस और कोफैक्टर्स पढ़े थे। तो अभी देख लें ए प्लस एल जब लिखेंगे ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, ये रो भी छोड़ दें और ये कॉलम भी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिए, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी आपको नजर आ रहे होंगे कौन से हैं ए प्लस एल ए ए और ए प्लस एल ए प्लस एल ए ए और ए प्लस। फिर आपने क्या करना है जब सेकंड एंट्री लिखनी है ए उसके साथ माइनस आएगा, वो रो छोड़ दें वो कॉलम, और बाकी देखिए क्या नजर आ रहे हैं ए ए ए और ए प्लस एल ए ए ए और ए प्लस एल। फिर आखिरी एंट्री लिखते हैं ए उसके साथ प्लस, वो रो छोड़ देनी और वो कॉलम, ये देखिए वो रो छोड़ दी वो कॉलम, बाकी आप नजर आ रहे होंगे क्या नजर आ रहे हैं ए ए प्लस एल ए और ए ए ए प्लस एल ए और ए। अब इसको हल करते हैं ए प्लस एल, आपको पता है कि जब भी 2+2 का डिटरमिनेंट हो
तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं मेन डायगोनल एंट्रीज, यानी a प्लस l मल्टीप्लाई होगा a प्लस l से, तो क्या बन जाएगा a प्लस l का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर माइनस a, इधर क्या आएगा a मल्टीप्लाई बाय a प्लस l माइनस, ये मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस और सेकेंडरी डायगोनल आपस में a मल्टीप्लाई बाय a ए स्क्वायर प्लस ए, इधर क्या आएगा ए मल्टीप्लाई बाई ए ए स्क्वायर माइनस, यानी मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में माइनस सेकेंडरी डायगोनल ए इनटू ए प्लस एल, ए इनटू ए प्लस एल। अब देख ले जरा यहां क्या आएगा ए प्लस एल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू ए एल, परफेक्ट स्क्वायर ओपन करें, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई एल ए एल माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, इधर आएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एल। अब आपके पास ए कट गया, अब बाकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए किस मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर से, तो ए एल स्क्वायर, फिर ए मल्टीप्लाई होगा टू ए एल से, तो टू ए स्क्वायर एल, एल मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर एल क्यू, और एल मल्टीप्लाई बाई टू ए एल टू ए एल और एल एल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर एल माइनस ए स्क्वायर एल, यहाँ आपके पास ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए स्क्वायर और एल। अब देखें सबसे पहले आप क्या लिखें बड़ी पावर एल क्यूब, तो एल क्यूब वाले लिखें कितने एल क्यूब, फिर आपके पास क्या आ जाएगा ये देखें ए स्क्वायर एल आपके पास है और ये भी ए स्क्वायर एल, कितने ए स्क्वायर एल हो गए टू ए स्क्वायर एल, और ये भी टू ए स्क्वायर एल, ये दो है और ये माइनस के दो प्लस के दो कैंसिल हो गए, माइनस का ए स्क्वायर एल माइनस का ए स्क्वायर एल, तो माइनस के टू ए स्क्वायर एल और प्लस के टू ए स्क्वायर एल कैंसिल, अब ए एल स्क्वायर और प्लस टू ए एल स्क्वायर वाले दो और एक तीन हो गए प्लस थ्री ए एल स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है एल, तो अंदर आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन है, तो इधर आपके पास क्या आएगा आपके पास एल प्लस थ्री ए, एल प्लस थ्री ए इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू एल प्लस थ्री ए, एल स्क्वायर इंटू एल प्लस थ्री ए, ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर समझ लें आपने इम्प्रूव करना है इसको, एल स्क्वायर इंटू थ्री ए प्लस एल, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने ली है तो हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन करते हैं, तो रो वन से जब एक्सपेंड करते हैं तो पहली एंट्री लिखेंगे रो की ए प्लस एल, उसके साथ सिंबल आएगा प्लस का, लिखने की जरूरत नहीं है, वो रो छोड़ देनी है और वो कॉलम ए प्लस एल ए ए और ए प्लस एल इसका डिटरमिनेंट, फिर सेकंड एंट्री लिखनी है उस रो की, उसके साथ माइनस ये रो छोड़ दें ये कॉलम ए ए और ए और ए प्लस एल, फिर आखिरी एंट्री ए लेंगे ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम ए ए प्लस एल ए और ए। अब a प्लस एल ये जो मेन डायगोनल एंट्रीज है ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं 2 प्लस 2 में, a प्लस एल मल्टीप्लाई बाई a प्लस एल होल स्क्वायर और a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर, दरमियान में माइनस माइनस a, a किस मल्टीप्लाई होगा a प्लस एल से, दरमियान में माइनस और a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान माइनस और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में, प्लस a a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई होगा a प्लस एल से। अब a प्लस एल परफेक्ट स्क्वायर ओपन करते हैं a प्लस एल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al माइनस a स्क्वायर माइनस a a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस al माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय a माइनस a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय l माइनस al, ये कट गया ये भी कट गया और ये भी कैंसिल हो गया a स्क्वायर से। अब a मल्टीप्लाई बाय l स्क्वायर al स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय 2al 2a जब a से मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर और साथ l, फिर l मल्टीप्लाई बाय l स्क्वायर l क्यूब और l मल्टीप्लाई बाय 2al 2a l स्क्वायर, इधर माइनस a मल्टीप्लाई बाय al माइनस a स्क्वायर l, और आपके पास लास्ट में a मल्टीप्लाई बाय माइनस a स्क्वायर l, ये कट गए। कैसे कटेंगे माइनस a स्क्वायर l और माइनस a स्क्वायर l, माइनस के कितने हो गए माइनस 2a स्क्वायर l और प्लस 2a स्क्वायर l कैंसिल, फिर आप क्या लिखेंगे l क्यूब और 2a l स्क्वायर प्लस a l स्क्वायर 2 और 1 कितने हो गए 3a l स्क्वायर,
एल स्क्वायर कॉमन लेंगे एल प्लस थ्री ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फोर। वन 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 एक्स वाई जी और वाई जी जी एक्स और एक्स वाई इज इक्वल टू वन 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 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। अब इसमें एक बात नोट करें कि जैसा कि डिटरमिनेंट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो उनका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो, और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उनका भी डिटरमिनेंट जीरो। अब जरा आ जाए इधर फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास हो टू फोर फोर सिक्स, ए का डिटरमिनेंट लेते हैं, ए का डिटरमिनेंट तो आएगा टू फोर फोर सिक्स। टू किस मिले होगा सिक्स से, टू सिक्स आर ट्वेल्व और फोर फोर आर सिक्सटीन, कितना आ गया माइनस फोर। अब जरा इनकी जगह चेंज करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड रो से चेंज करें, अब वो ए तो नहीं रहेगा, फोर सिक्स और टू फोर। अगर मैं किसी मैट्रिक्स की दो रोज को चेंज कर दूं या दो कॉलम को आपस में चेंज कर दूं तो उसके डिटरमिनेंट में और पहला जो है उसके डिटरमिनेंट में क्या फर्क आता है, चेक करते हैं। फोर फोर दा फोर किस में टाइम, फोर से सिक्सटीन, टू से दा ट्वेल्व, कितना आ गया फोर। पहले माइनस फोर था अब प्लस फोर, इसका मतलब है अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो रोज को हम चेंज कर लें या दो कॉलम्स को चेंज कर लें तो उनके डिटरमिनेंट्स में क्या आएगा, माइनस का फर्क आएगा। इसका मतलब है जब भी दो रोज हम इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस, माइनस का डिफरेंस पूरा करने के लिए बाहर हम क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि जब पहली रो को मैंने दूसरी रो से चेंज कर लिया तो पहले माइनस फोर था, अब आंसर क्या आ गया, प्लस फोर। अगर पहले प्लस फोर होता तो बाद में माइनस फोर। यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी आपने सीख ली डिटर्मिनेंट में कि अगर पहले एक का डिटर्मिनेंट हो और अगर दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो बाद में किसका बन जाएगा, माइनस एक का, यानी माइनस का डिफरेंस आएगा, माइनस का डिफरेंस। अब इस प्रॉपर्टी की बेस पे आपने क्या याद रखना है, जब भी हम डिटर्मिनेंट को हल कर रहे होंगे और कहीं पर भी हम दो रोज को इंटरचेंज करें, कहीं पर भी हम दो रोज को इंटरचेंज करें तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, बाहर क्या आएगा, माइनस। इस तरह जब भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस। हम याद रखें डिटरमिनेंट में दो रोज को आपस में चेंज कर सकते हैं और दो कॉलम्स को भी आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब भी चेंज करेंगे तो बाहर हम क्या लिखेंगे, माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, वन 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 एक्स वाई जी जी एक्स और एक्स वाई। अब आंसर में देखें मुझे क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए और z का स्क्वायर चाहिए। इधर x मौजूद है, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो x का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, इसको y से मल्टीप्लाई करूं तो y का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और क्या चाहिए, z का स्क्वायर, और अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई करूं तो हमें z का स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, हम किसी एक एंट्री को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए मैं x, मुझे तो इधर x स्क्वायर, इधर राइट हैंड साइड में x स्क्वायर चाहिए ना एक टर्म, तो मैं अगर किसी एंट्री को x स्क्वायर बना रहा हूं तो उस पूरी रो को मल्टीप्लाई करूंगा या पूरे कॉलम को। आप देखें ये पहला कॉलम है, अगर मैं इधर x स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना है इस एंट्री को, तो इस ये एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी, x का स्क्वायर। इस एंट्री को x स्क्वायर बनाने के लिए जो मैं नंबर मल्टीप्लाई करूंगा वो पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी एक एंट्री को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, काला मान को किस मल्टीप्लाई करते हैं, x से। x मान दार x, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय y z, x y z। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहां डिवाइड हम बाय कर देते हैं। तो बाय हम x से अंदर मल्टीप्लाई किया और बाय डिवाइड कर दिया। डिवाइड भी इधर ही करना था, उसको हमने बाय एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया, बाय। क्या मतलब, ये देखिए मैंने काला मान को x से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। ये देखें x मान था x मल्टीप्लाई को, ये डिवाइड, इसको x से मल्टीप्लाई किया और साथ में डिवाइड, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, x y z और डिवाइड। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, x को x से जब मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर और साथ डिवाइड भी कर दिया, इसको y z को भी किस से मल्टीप्लाई किया, x से, तो बन गया x y z और साथ डिवाइड भी कर लिया। इसको हम क्या करते हैं, 1 और x को बाय ले जाते हैं। 1 और x को क्या करते हैं, बाय ले। बाय ले जाने का मतलब क्या है कि बाय हमने एडजस्ट कर दिया, इधर से बाय ले गए। तो क्या किया भाई, काला मान को x से मल्टीप्लाई करें, x मान दार x, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर और x y z। अब कॉलम 2 किस से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉलम 2 में हमें y स्क्वायर चाहिए, इधर y है तो कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई 1 y, y स्क्वायर और y z x, और y से डिवाइड करने इधर किया और उसको y एडजस्ट कर दिए। कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई करें, z, z स्क्वायर और z x y, z से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड, डिवाइड वाला y एडजस्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, y कॉलम 1 मल्टीप्लाइंग बाय x, कॉलम 2 मल्टीप्लाइंग बाय y, कॉलम 3 मल्टीप्लाइंग बाय z, एंड और क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया तो x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई किया तो y से इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा, z से मल्टीप्लाई किया z से डिवाइड भी करना पड़ेगा, x को भी बाय लेंगे जो डिवाइड किया, y और z तीनों। तो हम लिखेंगे एंड एडजस्टिंग द फैक्टर 1 ओवर x y z, कि x से मल्टीप्लाई करके x को बाय एडजस्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, y को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड वाला बाय एडजस्ट कर दिया, z को मल्टीप्लाई करके z भी बाय जो डिवाइड किया उसको बाय एडजस्ट कर दिया, वो पूरा फैक्टर क्या बन गया, 1 ओवर x y z। दोबारा देखें, लेफ्ट हैंड साइड लें, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है फिर आंसर देखें मुझे क्या चाहिए। आंसर में तीन टर्म नजर आ रही हैं, पहले इन बाकियों को छोड़ दें, इसको देखें, x स्क्वायर पहले कॉलम में चाहिए, दूसरे कॉलम में y स्क्वायर और तीसरे कॉलम में z स्क्वायर। अब इधर देखें कि हम x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास ना तो x स्क्वायर है, ना ही y स्क्वायर है, ना ही z स्क्वायर है। अगर मैं कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करूं तो ये x स्क्वायर बन सकता है। तो इसको x स्क्वायर बनाने के लिए जो काम करेंगे वो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x मान दार x, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय y z, x y z, x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाय इधर डिवाइड करना था उसको बाय एडजस्ट कर दिया। कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई बाय 1 बाय y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय z x, y z x। कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई करें, z, z स्क्वायर और z x y, x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड, y से मल्टीप्लाई किया और y से ये डिवाइड, और z से मल्टीप्लाई किया तो z से डिवाइड, डिवाइड अंदर ही करना था, हमने उनको बाय एडजस्ट कर दिया। आप क्या लिखेंगे, कॉलम 1 मल्टीप्लाइंग बाय x, कॉलम 2 मल्टीप्लाइंग बाय y, कॉलम 3 मल्टीप्लाइंग बाय z, एंड एडजस्टिंग द फैक्टर x y z से मल्टीप्लाई किया तो 1 ओवर x y z बाय एडजस्ट भी कर दिया। अब देखिए हमें x स्क्वायर मिल गया, y स्क्वायर मिल गया, z स्क्वायर मिल गया, इधर भी x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x y z, इधर भी x y z, और क्या चाहिए, 1 1 1। अब इधर 1 कैसे बन सकता है, x y z, x y z, x y z कॉमन लेने, कहां से, R3 से। तो ये बच्चों बन जाएगा 1, x y z कॉमन लेते हैं, x y z और x y z, x x स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 1, y y स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 1, z z
और इधर क्या रहेगा वन बाई टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम आर थ्री। आर थ्री से क्या कॉमन ले लें एक्स वाई जी, तो ये एक्स वाई जी आपको कॉमन आ गया, एक्स एक्स से कट गया, वाई वाई से कट गया और जी जी से कट गया। मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में कोई एंट्री कॉमन लें तो वो हर एंट्री से अगर कॉमन हो तब कॉमन आएगी, लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट है तो किसी एक रो से भी कॉमन ले सकते हैं। जिस तरह मैंने तीसरी रो से ये एक्स वाई जी कॉमन ले लिया, इधर भी वन रह गया, इधर भी वन और इधर भी वन। आप जरा आंसर देखें, अब फर्क क्या रह गया, देखें वन 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 इधर भी वन 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 मौजूद है, एक्स वाई जी इधर भी एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, सिर्फ तरतीब क्या है, यहाँ वन 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 कहाँ चाहिए पहली रो में, यहाँ कहाँ पे तीसरी रो में, तीसरी रो को पहली रो से क्या कर लें इंटरचेंज। मैंने स्टार्ट में बताया था जब भी दो रोज इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम तो डिटरमिनेंट में किसका फर्क आएगा माइनस का, तो वो माइनस कैसे क्या करेंगे वन 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 बाई आर वन इंटरचेंजिंग आर थ्री, ये पहली रो और तीसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर लें, वन 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 पहली रो पे आ जाएगा और एक्स वाई जी कहाँ चल जाएगा थर्ड रो में। जब भी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे बाहर क्या आएगा माइनस, मैंने एक एग्जांपल से स्टार्ट में समझा दिया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एंड इट इज। अब फिर देख लेना आंसर में, वन 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 तो आ गया, एक्स वाई जी कहाँ चाहिए दूसरी रो में, यहाँ तीसरी रो में, दूसरी और तीसरी को फिर इंटरचेंज करें एक और माइनस आएगा। जब भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस आएगा, वन 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 एक्स वाई जी इधर लिख लें एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर टू इंटरचेंजिंग आर थ्री, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो वन 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 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर और राइट हैंड साइड ये वन 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 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको एक दफा फिर समझे, जेहन में रख लें जब भी हम दो रोज को इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम्स को तो डिटरमिनेंट में माइनस का डिफरेंस आएगा, यानी माइनस हम बाय लिख लेंगे, साथ एक्सप्लेन कर देंगे बाई आर वन इंटरचेंजिंग आर थ्री, या जो भी दो रोज या दो जो भी दो कॉलम आप इंटरचेंज करेंगे। इसके अलावा याद रखें किसी भी रो को किसी एंट्री से अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड वाला हम बाय एडजस्ट कर दिए करेंगे, या किसी भी कॉलम को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय डिवाइड भी करेंगे एडजस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली इस क्वेश्चन में, फिर आंसर के देखा, आंसर में मुझे टर्म चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है। एक कंडीशन में हम फाइंड कर सकते हैं कि इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम को, दूसरे कॉलम को वाई से और तीसरे कॉलम को जी से, ये एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड, वाई से मल्टीप्लाई और वाई से डिवाइड, जी से मल्टीप्लाई और जी से डिवाइड, क्योंकि कॉलम वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम वन पे डिवाइड करेंगे, वहां से हमने बाय एडजस्ट कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे कॉलम वन मल्टीप्लाइंग बाय एक्स, कॉलम टू को मल्टीप्लाई हमने किससे करना वाई से और कॉलम थ्री को जी से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड भी करेंगे एक्स से वाई से जी से, वो बाय एडजस्ट कर दिया हमने एक्स वाई जी, तो एंड एडजस्टिंग द फैक्टर वन ओवर एक्स वाई जी। फिर देखें एक्स वाई जी को ले लें कॉमन कहाँ से, थर्ड रो से आर थ्री से, एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इधर भी वन वन वन। अब देखें कि नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आंसर को फिर देखेंगे जो हमने फाइंड करना है, वन 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 कहाँ चाहिए पहली रो में, यहाँ तीसरी रो में है, तो हम क्या करते हैं पहली रो को तीसरी रो से इंटरचेंज कर लेते हैं, वन 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 इधर आ जाएगा वन 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 और एक्स वाई जी इधर एक्स वाई और जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एज इट इज। जब भी दो रो आपस में तब्दील करेंगे इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट में किसका डिफरेंस आएगा माइनस, यानी माइनस हम बाहर लिख लेंगे वन 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 इधर आ गया आपके पास, यानी आर वन को और आर थ्री को आपस में तब्दील कर दिया। अब आंसर देखें कितना बन चुका है वन 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 वन,
एक्स वाई जी सेकेंड रो में चाहिए, यहाँ एक्स वाई जी थर्ड रो में है, तो सेकेंड रो को थर्ड रो से तब्दील कर लें, एक्स वाई जी ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बाहर क्या आएगा माइनस। जब भी दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, बाकी एज इट इज जो कि आपकी राइट हैंड साइड बन गई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इसका पांचवा पार्ट है, बी प्लस सी ए ए बी सी प्लस ए बी सी सी और ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर ए बी और सी। इसमें आप नोट करें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बी प्लस सी ए ए बी सी प्लस ए ओ बी सी सी ओ ए प्लस बी। आप नोट करें, मैंने बताया था कि किसी एक रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम आमतौर पे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, पहली एंट्री लिखेंगे बी प्लस सी, दो एंट्रियाँ हों तो ब्रैकेट में, मतलब दो अगर सामने हो बी और सी के तो ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले एंट्री के साथ क्या आएगा प्लस, ये रो छोड़ देंगे, वो एंट्री जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ते हैं वो कॉलम, बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट यानी सी प्लस ए बी सी और ए प्लस बी। फिर कौन सी एंट्री लिखेंगे, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, इसके साथ साइन कौन सा आना चाहिए प्लस का, इसके साथ माइनस का, पहली एंट्री के साथ प्लस दूसरी एंट्री के साथ माइनस, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, वो एंट्री जिस रो में आ रही है वो रो छोड़ देते होते हैं वो कॉलम, बाकी क्या बच गया बी बी सी और ए प्लस बी। फिर आप लास्ट एंट्री लिखेंगे रो की, वो ए है उसके साथ क्या आएगा प्लस, वो रो छोड़ दें और वो कॉलम, ये लास्ट एंट्री ली फर्स्ट रो की, ये रो भी छोड़ दी और वो कॉलम, बी सी प्लस ए और सी और सी, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, बी प्लस सी तो सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज यानी बी मल्टीप्लाई होगा सी से, बी सी माइनस ए, बी किस में मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी और माइनस बी किस में मल्टीप्लाई होगा सी, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में दरमियान माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में, प्लस ए बी किस में मल्टीप्लाई होगा सी से तो बी सी, माइनस सी किस में मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए, इसको आगे हल करते हैं, बी प्लस सी इधर देखें सी मल्टीप्लाई बाई ए सी ए, फिर सी मल्टीप्लाई बाई बी सी बी, पहले फर्स्ट एंट्री में दोनों से किए आप ए मल्टीप्लाई बाई ए ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बी ए बी और फिर माइनस बी सी प्लस, इधर माइनस है माइनस ए, इधर क्या आएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बाई ए बी ए बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए, इधर क्या आएगा बी सी और सी मल्टीप्लाई सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस सी ए, तो ये आपके पास बन जाएगा, आपको कटते हैं ये बी सी और ये भी बी सी, ये कट गए आप, पहले बी मल्टीप्लाई होगा सी ए से तो बी सी ए, फिर बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर तो बी ए स्क्वायर, फिर बी मल्टीप्लाई होगा ए बी तो ए और बी ए बी स्क्वायर, दोबारा देख लें बी सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ए, बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर और बी जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी और बी मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वायर साथ क्या आएगा ए, अब सी मल्टीप्लाई होगा सी ए तो सी स्क्वायर ए सी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बाई ए बी सी ए बी, इधर ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर साथ आएगा बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी, इधर ए मल्टीप्लाई बाई बी सी ए बी सी ए मल्टीप्लाई सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर
और ए मतलब आएगा ए सी, ए और ए, ए स्क्वायर साथ आएगा सी। आप जरा नोट करते हैं ये क्या है आपके पास ए स्क्वायर सी प्लस का और ये ए स्क्वायर सी माइनस का। आप चेक करते हैं ये ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी, एक प्लस का एक माइनस का, ये ए बी स्क्वायर प्लस का और ये ए बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल आ जाएंगे, ये सी स्क्वायर ए प्लस का और ये सी स्क्वायर ए माइनस का। क्या बात है ए बी सी, ये भी ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी कितने बच गए चार, इक्वल टू फोर ए बी सी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि जब भी रो वन से एक्सपेंड करते हैं तो पहले एंट्री लिखते हैं उसके साथ प्लस, सेकंड एंट्री के साथ माइनस, थर्ड एंट्री के साथ प्लस। और ये माइनस क्यों आता है मैंने आपको लेक्चर में डिटेल में बता दिया था जब माइनस और को फैक्टर्स पढ़े थे। आप देखें जब आप रो वन की पहली एंट्री लिखते हैं तो वो रो छोड़ देंगे वो कॉलम, ये आप रो छोड़ दें ये कॉलम, बाकी देखिए क्या बच गए सी प्लस ए बी और सी और ए प्लस बी। फिर जब सेकंड एंट्री लिखते हैं उसके साथ माइनस, वो रो छोड़ देते हैं और वो कॉलम, बाकी ढूंढने क्या बच गए नजर आ रहे हैं आपको बी बी सी और ए प्लस बी। फिर जब आप लास्ट एंट्री लिखते हैं उसके साथ प्लस, वो रो छोड़ देनी और वो कॉलम, बाकी क्या बच गए बी सी प्लस ए सी और सी। अब 2 प्लस 2 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में माइनस, सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को आपस में माइनस ए, मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें दरमियान में माइनस और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को आपस में प्लस ए, बी मल्टीप्लाई होगा सी से बी सी दरमियान माइनस, सी मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए से, बाकी इसको सिंपलीफाई करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा 4abc जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। और अब इन क्वेश्चन को आप नेक्स्ट तरह करना है, इसमें से जो कल क्विज होगा वो आप नेक्स्ट तरह अटेम्प्ट करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम मजीद इसके क्वेश्चन हल करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।